पछिल्लो 4 अक्टोबरको टिस्टा त्रासदीपछि विभिन्न स्थानमा फँसेका श्रमिकहरूलाई सुरक्षित निकालेर घर पठाउने कार्यमा सिक्किम सरकारको श्रम विभागले लगातार काम गरिरहेको छ। पूर्व र दक्षिण सिक्किमका फँसेका श्रमिकहरूलाई केही दिन अघिदेखि नै उनीहरूका घर पठाउन सिलगढीसम्म पुर्याउने काम श्रम विभागले गरिरहेको थियो भने चुङथाङ, लाचेन र लाचुङबाट पनि पैदल मार्ग सुरु भएपछि विभागले उत्तर सिक्किममा फँसेका श्रमिकहरूलाई पनि सिलगढीसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छ। पैदल यात्रा गरेर मङ्गनसम्म आएका श्रमिकलाई श्रम विभागले त्यहाँबाट बस उपलब्ध गराएर सिलगढी पठाइरहेको छ। विभागले कतिपय श्रमिकहरूलाई मङ्गनबाट सिधै सिलगढी पठाइरहेको छ भने सिलगढी पुग्न अबेर लाग्ने बसलाई गान्तोक लगेर एक रात श्रमिकहरूलाई गान्तोकमा विश्राम गराएपछि सिलगढी पठाउने काम पनि भइरहेको छ। यसै क्रममा आज बुधबार गान्तोकबाट लगभग 80 जना श्रमिकलाई लिएर 3 वटा बस सिलगढी प्रस्थान भएका छन्। बसद्वारा यात्रा गरिरहेका श्रमिकहरूलाई विभागले खाने व्यवस्था पनि मिलाइदिएको छ। आज सिलगढी जान अघि गान्तोकको एसएनटी बस स्ट्यान्डमा भेला भएका श्रमिकहरूसँग सिक्किम सरकारको श्रम विभागका मन्त्री लोकनाथ शर्माले अन्तर्क्रिया गरे। यस अवसरमा उनले टिस्टा त्रासदीका कारण घर जान चाहेका श्रमिकहरूसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूलाई सिलगढीसम्म पुर्याउन सिक्किम सरकारले मिलाएको सुविधाबारे जानकारी गराए। मन्त्री शर्माले अहिले सिक्किमको स्थिति बेहाल रहेकोले घर जान चाहेका श्रमिकहरूलाई सरकारले सुविधा दिलाइदिएको जानकारी दिँदै पछि स्थिति सामान्य बनेपछि उनीहरूले चाहे फेरि सिक्किम आउन सक्ने बताए। घर जानका लागि एसएनटीमा भेला भएका श्रमिकहरूले आफूले काम गरिरहेका क्षेत्रमा टिस्टा त्रासदीले व्यापक क्षति पुर्याएको र परिवारका सदस्य पनि सुर्तामा परेका कारण अहिले घर जान चाहेको र पछि मौका मिले फेरि सिक्किम आउने बताएका छन्। यस आपदाको घडीमा आफूहरू घर जान चाहेको स्थितिमा सिक्किम सरकारले सिलगढीसम्म सुरक्षित पुर्याउने व्यवस्था मिलाइदिएको भन्दै श्रमिकहरूले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे। अच्छा देखिए, जो आपदा आया इधर, आप लोग ने तो देखा होगा, इतना मुश्किल में आप लोग को हेलीकॉप्टर से आया ना इधर, नीचे पैदल से आया, बहुत लोग को हेलीकॉप्टर से भी ले रहे। तो जितने भी हो, सिक्किम सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने आप लोग को जो ये आपदा आया, किसी राज्य से हो, किसी राष्ट्र से हो, हमारी सरकार सबको मदद करने के लिए तैनात है। तो शायद ये भी आप सोच सकते हैं कि आप लोग कहीं पर दबाव का कुछ कुछ तरह का आपदा आप लोग ने देखा होगा, लेकिन सिक्किम में जो सिक्किम सरकार की एक्टिवनेस के कारण एक जिम्मेवारी है हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री महोदय ने आप लोग को अपनी खर्चे, सरकार के खर्च के साथ खाना और सब मिला के आप लोग को, हम लोग जहाँ जहाँ है सिलगुड़ी तक हमारी गाड़ी आप लोग के लिए मदद करेगा। वहाँ जाने के लिए कोई किराया नहीं, यहाँ बैठने खाजा सजा मिल गया होगा ना, खाना भी मिल गया होगा कल। तो ये हम लोग मदद करने चाहते हैं, ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के कारण ये सब हो रहा है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर भी कभी आप फिर जब नॉर्मल हो जाएगा तो आप फिर वापस आ सकते हो। अच्छी तरह से अपने परिवार में रहिए और गाड़ी में जाइए, सिलगुड़ी तक छोड़ कर हम लोग, हमारी ड्राइवर फिर वापस आएगी। तो आप लोग बच गए, यही खूब नसीब है, जिंदगी है तो आगे हम फिर काम कर सकते हैं। आप लोग के बहुत सारे दोस्त लोग तो वहाँ बह भी गए होंगे, ये तो देखा ना आप लोग ने। तो आप लोग खूब नसीब हो, ईश्वर ने आप लोग को बचाया, अब सरकार बचा रहे कि आप लोग को अपने परिवार के साथ जुड़ने के लिए सही तरीके से आप लोग सरकार के ही गाड़ी के द्वारा आप लोग जा रहे हैं। ये हमारी लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा सारा सिक्किम में हम लोग जो भी मदद चाहिए, हमारी लेबर डिपार्टमेंट, हमारी सरकार तैयार रहेगी। यही है हम लोग, आप लोग जो भी मदद करना, जो भी मुश्किल हो, अभी यहाँ से सिलगुड़ी तक जाएंगे, वहाँ पर अपना अपना एक जहाँ भी मकान हो वहाँ जाकर धन्यवाद करके फिर वापस आ जाना, ठीक है ना? आप लोग खुश हो गए सब लोग? हाँ, सिक्किम सरकार जो काम कर रहे हैं, ये ऐसा देखा है कभी कहीं? हाँ, कहीं देखा है ऐसा मदद करता है? नहीं सर। तो ये हमारा एक सौभाग्य है कि हम लोग आप लोग को सपोर्ट करने पाते,
ये हमारी मुख्यमंत्री हमारी सिक्किम सरकार की एक योजना, सबको मदद करना, ये हमारी स्टेट का है, ये फलना स्टेट का है, वहाँ का नहीं करेंगे, ये हमारा सरकार का एक परिचय है। इसीलिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आप अच्छी तरह से जाइए, फिर आना है तो आ सकते, ठीक है, थैंक यू। आप लोग सब लोग आ गया इधर, नाथ से आ गए ना सब लोग, नाथ से आ गया कल शाम से, इधर कितना लोग आया है उधर खड़ा है अभी। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की तरफ से आप लोग जाने के लिए सब व्यवस्था बना चुका है अभी, तो आप लोग उधर से भी गवर्नमेंट को मदद से इधर उधर से इधर तक आ गया। अभी गैंगटॉक से आपको सिलीगुड़ी तक हम अपना ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट आपको पहुंचा देंगे, उधर तक अपना घर जाके सब, तब तक आपको सुविधा इधर मिलेगा, आपका मन ठीक होगा, आपका फिर वापस आने के लिए तब आने से हो जाएगा। आप लोगों को मदद करने के लिए सिक्किम सरकार पूरा था अपने आप अनुभव किया होगा। अभी हमारा मिनिस्टर साहब है हमारे साथ में, लेबर का देखने वाला, आप लोगों को ऊपर पूरा मध्य नज़र रख के क्या क्या सुविधा देना है सबको, हमारा ऊपर डायरेक्शन दिया था, इसी हिसाब से हमको हम लोग आप लोग के लिए क्या चाहिए सब कर दिया। आज सुबह ब्रेकफास्ट भी दिया होगा आप लोग, अभी आप लोग इधर से जाके अपना घर पहुंच जाके आपके परिवार के साथ रहने के लिए हम भी आशा रखते हैं। दार्जिलिंग को कैपिटल हॉल परिसर में भइरहेको छ नेशनल एक्सपो 2023। 15 सेप्टेम्बर देखि सुरु भएको यो एक्सपो आगामी 23 अक्टोबर सम्म चल्नेछ। निशुल्क प्रवेश गर्न सकिने यस एक्सपोमा घरमा चाहिने सामानहरू, ह्यान्डलुम, ह्यान्डिक्राफ्ट, स्टेसनरी, फर्निचर, ज्वेलरी, लुगा, जुत्ता, अचार, रोटी बनाउने छालाका सामग्रीहरू लगायत 500 भन्दा अधिक उत्पादहरू पाइनेछ। वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचरमा 20% सम्मको छुट प्रदान गरिँदैछ। यो दार्जिलिङको लागि दसैँको सपिङ फेस्टिभल हो। दार्जिलिङ अनइम्प्लोइड ग्रुपद्वारा आयोजन गरिएको यस मेलामा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न उत्पादहरू ल्याइएको छ। यस मेलामा कतिपय उत्पादहरू यस्ता पनि छन् जो बजारमा उपलब्ध छैनन्, ती उत्पादहरू पनि मेलामा ल्याइएको छ। दार्जिलिङमा दसैँको छेक पारेर यस एक्सपो मेला लगाउनुको मूल उद्देश्य दार्जिलिङवासीसितै पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षण गराउनु हो।